नी हाओ नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पे। दोस्तों यूँ तो बहुत सारे फेस्टिवल होते हैं पूरी दुनिया में, जैसे हमारे प्यारे भारत में होली, दशहरा या दिवाली या ईद या हम सब का फेवरेट क्रिसमस हो। पर क्या आपको पता है चीन में कौन कौन से फेस्टिवल होते हैं? अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आज हम आपको चीन के मोस्ट फेमस और एडवेंचर से भरा हुआ फेस्टिवल बताएंगे। तो दोस्तों जैसे कि सभी फेस्टिवल के पीछे कोई कहानी होती है, तो आज हम इस फेस्टिवल से रिलेटेड वो कहानी भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों इस फेस्टिवल को कहा जाता है ड्रैगन बोट फेस्टिवल, और चाइनीज़ में कहा जाता है द्वांगवू। इसके नाम से आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे किसी ड्रैगन की पूजा होती होगी इस दिन, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यह बहुत ही स्पेशल फेस्टिवल है चीन का। यह हर साल चाइनीज़ कैलेंडर या चाइनीज़ फार्मर कैलेंडर के 5वें महीने के 5वें दिन पे मनाया जाता है या सेलिब्रेट किया जाता है। चीन में 5वें महीने के 5वें दिन को बहुत ही अशुभ और अनलकी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि उस दिन बहुत सारी बीमारी और नेचुरल डिजास्टर या फिर बहुत सारी प्राकृतिक आपदा आती है। इस दिन लोग कैलम्स के रूट या वच, अनार का फूल और लहसुन या गार्लिक, इसको अपने दरवाजे पर बांध देते हैं। लोगों का मानना है कैलम्स का रूट एक तलवार की तरह दिखता है, और लहसुन की तेज स्मेल की वजह से कोई भी बुरी ताकत या आत्मा घर पर प्रवेश नहीं कर पाती, तो इस तरह बैड लक को वो खुद से दूर रखते हैं। है ना, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। कुछ लोग यह भी मानते हैं किन डायनेस्टी के वक्त पे 5वें महीने के 5वें दिन बहुत सारे जहरीले एनिमल और क्रिएचर ये सब बाहर निकले और लोगों को बीमार कर दिया था, तो लोग उनसे बचने के लिए 5 जहरीले एनिमल या क्रीचर उनके फ़ोटोज़ को लेते हैं और उन पर पिन लगाकर अपने दरवाजे पर टांग देते हैं, जिससे कि एनिमल या क्रीचर उनके घर पर ना आए। अगर बात फेस्टिवल की हो रही है और उस पर खाने की बात ना हो तो कुछ मिसिंग सा लगता है, कुछ अधूरा सा लगता है। इस दिन लोग बहुत ही स्पेशल डंपलिंग बनाते हैं जिसे राइस डंपलिंग कहा जाता है। इसे चाइनीज़ में जोंगजी कहा जाता है। जोंगजी को आप कैसे भी बना सकते हो, इसमें राइस मेन होता है और इसके अंदर जो भी स्टफिंग है वो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। ट्रेडिशनली ये स्वीट होते हैं, पर आज इसके बहुत सारे वैरायटी मिलते हैं और ये सच में दोस्तों बहुत ही टेस्टी होता है। चीन के गांव में इस फेस्टिवल को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। लोग काफ़ी इंजॉय करते हैं, रैलियाँ निकालते हैं, ड्रैगन रैलियाँ निकाली जाती है, ड्रैगन का डांस होता है, तो काफ़ी इंजॉय करते हैं चीन के गाँव में इस फेस्टिवल को। अगर बात करें मॉडर्न डे चाइना की, तो मॉडर्न डे चाइना में इस फेस्टिवल की अलग मान्यताएं हैं। मॉडर्न डे चाइना में इस फेस्टिवल को चू यियान की मेमोरी में सेलिब्रेट किया जाता है। जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा, चीन में बहुत सारे राजघराने थे, उसमें से एक राजघराना था झाओ राजवंश का। चू यियान झाओ राजवंश में एक मंत्री और बहुत बड़े राष्ट्रवादी कवि थे। तो बात उस वक्त की है जब चीन के सभी राजवंश एक दूसरे से लड़ रहे थे और लड़ाइयाँ चल रही थी। इन सभी राजवंश में किन राजवंश काफ़ी शक्तिशाली और स्ट्रांग था, तो झाओ राजवंश ने सोचा क्यों ना हम किन राजवंश के साथ संधि कर ले। चू यियान ने इस संधि का विरोध किया। वह जानते थे कि किन डायनेस्टी कभी भी धोखा दे सकती है। झाओ वंश के राजा ने चू यियान को अपने राज्य से निकाल दिया, और वही हुआ जो चू यियान को डर था। किन डायनेस्टी ने झाओ डायनेस्टी पर कब्जा कर लिया, और यह सब देख के चू यियान काफ़ी दुखी हो गए, और फिर उन्होंने 5वें महीने के 5वें दिन जाकर आत्महत्या कर ली नदी पे कूद के। वह आम लोगों में काफ़ी प्रसिद्ध और पॉपुलर और जाने माने कवि थे, और उनकी कविताओं को सभी पसंद करते थे। जब लोगों को यह पता चला तो वो उन्हें बचाने के लिए नदी की ओर बोट लेकर और अपने नाव को लेकर निकल पड़े। जब काफ़ी खोज के बाद भी वह नहीं मिले, तो लोगों ने उनके शरीर को मछलियों से बचाने के लिए नदी पे राइस के डंपलिंग्स फेंकना शुरू किया, जिससे मछलियाँ राइस की डंपलिंग खा ले और उनके शरीर को नुकसान ना करे। तो इस तरह शुरुआत होती है ड्रैगन बोट रेस की और जोंगजी राइस डंपलिंग की। तो है ना ये एक इंटरेस्टिंग स्टोरी। कुछ लोग ये फेस्टिवल वू जिक्सु की याद में भी मनाते हैं। वू जिक्सु वू राजघराने के प्रधान थे। इनकी कहानी कुछ इस तरह है। वू राजवंश के राजा को एक दूसरे राजवंश ने एक महिला को उपहार स्वरूप दिया था, और राजा उस महिला पे इतना खो गया कि वह अपने राजपाट की चीज़ों पे ध्यान नहीं देता था। यह देखकर वू जिक्सु ने अपने राजा को अपने राज्य के प्रति ध्यान देने को कहा, पर यह बात राजा को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी और उसने वू जिक्सु को आत्महत्या करने को कहा। वू जिक्सु ने 5वें महीने के 5वें दिन नदी पे कूदकर अपनी जान दे दी थी। जांगशू प्रोविंस के लोग आज भी उनके इस बलिदान को याद करते हैं, और आज भी 5वें महीने के 5वें दिन उनको याद किया जाता है। तो इस तरह चू यियान को पूरे चीन में और जियांगशु प्रोविंस में वू जिक्सु को याद किया जाता है। आज मॉडर्न डे पे ये फेस्टिवल काफ़ी कमर्शलाइज हो गया है और एडवेंचर से भरा हुआ स्पोर्ट्स बन गया है।
इस फेस्टिवल को 3 दिन तक सेलिब्रेट किया जाता है, जिसमें बड़े बड़े शोज़ होते हैं, इवेंट्स होते हैं, लोग बोट पे रेस लगाते हैं, बहुत सारे डांस होते हैं, सिंगिंग होती है, कॉम्पिटिशन्स होते हैं। आज ये फेस्टिवल केवल चीन में ही नहीं और भी बहुत सारे देशों में मनाया जाता है। बहुत सारे टूर्नामेंट और इवेंट्स होते हैं जिसपे लोगों को प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है। तो दोस्तों, आई होप आज आपको कुछ अलग जानने को मिला होगा। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को आपने अंत तक देखा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक करना और शेयर करना ना भूले दोस्तों। अगर आप चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इसी तरह हम कुछ हटके कुछ अलग आपके लिए लेकर आते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो पे बस इतना ही। आपसे फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो पे। तब तक आप अपना ध्यान रखें। सी यू सून। बाय बाय।